टाइप्स आप ऑफ, से चैप्टर पढ़ाने वाले थे ना? हाँ, बट हम ये टाइप्स ऑफ कंबस्टन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ओके मैम, ऑफ कंबस्टन मीन्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंबस्टन। फर्स्ट वी विल रीड इन व्हाट इज रिटन इन योर बुक। दे आर टेलिंग अस सम एक्टिविटीज लाइक ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइट नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। किचन में आप ये सब चीज़ें सामान रहता ही है और इनका इस्तेमाल कभी ना कभी हमने या तो खुद भी किया है या फिर हमने किसी से करते हुए भी देखा है। तो टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले तो ये कॉशन लिखा हुआ है, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स, अपने आप ना करें, अपने पेरेंट्स से पूछें। फिर ऊपर देखते हैं जाके क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेज हीट एंड लाइट। गैस जो है वो जल्दी से जलती है और हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो सच कंबस्टन इज नोन एज रैपिड कंबस्टन। आपने देखा है लाइटर में से थोड़ी सी एक वो चिंगारी जो होती है, स्पार्क निकलता है और उससे ही जल जाता है, रैपिड कंबस्टन हो जाता है। यही स्पार्क या फिर यही मैच स्टिक एक माचिस की तिल्ली को जलाकर जब तुम किसी लकड़ी के टुकड़े पे या पेड़ के पास जाके उसके तने को के पास लेके जाओगे तो वो पेड़ तो आग नहीं पकड़ेगा जबकि वो भी वुड का ही बना हुआ है ना। तो ऐसा कंबस्टन जो जल्दी से आग पकड़ ले, दैट इज रैपिड कंबस्टन। व्हाट इज रैपिड कंबस्टन? द कंबस्टन दैट टेक प्लेस वेरी रैपिडली विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। जल्दी से रैपिडली आग पकड़ लेता है और हीट का प्रोडक्शन हो जाता है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, यानी गर्मी और लाइट दोनों उसमें बनती है। जैसा कि रैपिड कंबस्टन कौन कौन से टॉपिक्स में, कौन कौन से सब्सटेंसेस में होगा? एक तो एलपीजी में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में होगा, ठीक है, और दूसरा माचिस की तिल्ली में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था माचिस का जो मटीरियल होता है वो किससे बना होता है वो, और पीस ऑफ पेपर है, ये भी रैपिडली जल सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ कंबस्टन इज रैपिड कंबस्टन। देर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी जल सकता है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में वो बहुत कम होता है, तो जल्दी से नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी उसे इग्नाइट कर देता है, उसमें स्पार्क ला देता है और वो खुद ही खुद में जलने लग जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ कंबस्टन इज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस मीन्स द कंबस्टन इन विच अ मटेरियल बर्स्ट इनटू द फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ऐसा कंबस्टन जिसमें अपने आप ही बर्स्ट हो जाए या बर्निंग शुरू हो जाए, जलने लग जाए वो, बिना किसी बाहरी कोई तत्व उसके उसका टेम्परेचर बढ़ाए, यानी कि बिना कोई हीट उसमें अप्लाई करे हुए, उसको आग दिखाए बिना। क्योंकि हमने तो ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली जो कंबस्टन है उनमें हमें पहले शुरुआत करनी पड़ती है, या तो वहाँ पे फ्यूल डालकर, खाली फ्यूल से भी आग नहीं जलेगी, खाली ऑक्सीजन हो तो भी आग नहीं जलेगी। वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि वहाँ पर कोई और भी आग पहले से प्रेजेंट होनी चाहिए, स्पार्क प्रेजेंट होना चाहिए, चिंगारी लाइट माचिस की तिल्ली से छोटा सा आग का पीस वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो बिना इस इनहिबिशन के एप्लीकेशन, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ हीट, व्हेन एनीथिंग कैचेस फायर दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। किताब में क्या दिया हुआ है कि द टाइप ऑफ कंबस्टन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। फिर यस, और एग्जाम्पल क्या है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन का? फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बॉक्स में, येलो बॉक्स में, कि स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑफ कोल डस्ट। अभी कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, कुछ कह रहे हो? कौन कह रहा था कुछ? कोई बात नहीं, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑफ कोल डस्ट। हाँ,
मेरी आवाज नहीं आ रही, होती मैम बीच में नहीं आ रही थी, अब तो आ रही है। मुझे भी आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर। कोल की जो डस्ट होती है उससे बहुत सारे आग लग जाती है, किसमें? कोल माइंस में। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। बिजली गिरने से कई बार जंगलों में आग लग जाती है, इसको भी स्पॉन्टेनियस बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे जाके कोई आग लगा के आता नहीं है, कोई माचिस से या आउटर सोर्स से वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं होती इग्निशन की, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। However, most forest fires are due to the carelessness of human beings. Okay, बहुत वैसे भी अर्थ पे जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी से ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि अभी जो डिजास्टर्स हो रहे हैं वो बियॉन्ड द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, बिना ऐसा मतलब पिछले सालों में जो भी हुआ है उससे भी हाई फाई होके अब की बार जो डिजास्टर हुए हैं वो हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली। अच्छा हाँ, क्यों ऐसे डिजास्टर क्यों हुए? जंगलों में जाके लोगों ने कैंप फायर किए होंगे या कोई स्मोकिंग करके कोई जो है कहीं भेज दिया, गिरा दिया कोई कचरा। तो कैंप फायर वगैरह जब भी जाते हैं तो उन फायर्स को अच्छे से एक्सटिंग्विश करना चाहिए, बुझाना चाहिए बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट। ओके, We generally have fireworks on festival days. Okay, so when a cracker is ignited, कोई पटाखा जलाया जाता है, देखो cracker के अंदर क्या होता है, cracker के अंदर क्या होता है, dynamite होता है, ठीक है। तो dynamite बारूद होता है ना, तो बारूद क्या करता है, बारूद का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, बट उसको थोड़ी सी माचिस की चिंगारी की ज़रूरत होती है। वो उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं है फॉस्फोरस के जैसे कि वो अपने आप ही जल उठे, तो वो ऐसे भी नहीं जलता। बट अगर उसको थोड़ी सी भी फायर मिली, थोड़ा सा दिखाया दूर से ही, तो वो कैच फायर कर लेता है जैसे पेट्रोल कैरोसिन करते हैं। तो आपने देखा है कि जब क्रैकर को इग्नाइट करा जाता है तो एक सडन स्मेल आती है, रिएक्शन होता है और वहाँ पे गर्मी हो, इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हीट लाइट पढ़ रहे थे, फिर अब उसमें एक साउंड भी इंक्लूड हो गया। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ लिबरेशन। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसमें साउंड क्यों हो जाता है? साउंड हीट और लाइट तो हम समझ गए, साउंड कैसे आता है पटाखों में, और पटाखों में ही क्यों आता है, नॉर्मल कैंडल में क्यों नहीं आता? बिकॉज कोई बताओ जल्दी से। क्योंकि जो बारूद है वो जलता है तब, जो बारूद है वो जलता है तब आवाज आती है उसके अंदर। आपने देखा है जो क्रैकर्स होते हैं वो बर्स्ट होने के बाद आसपास बहुत सारे पेपर फैल जाते हैं, पुराने साउथ इंडियन लैंग्वेज के अखबार निकलते हैं उसमें से। यस मैम, है ना, पिंक पिंक। हाँ, लक्ष्मी बम जब फट जाता है तो उसमें से बहुत सारे अखबारों का लेयर होती है न्यूज़पेपर्स की, और वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में होते हैं, वो समझ में नहीं आते। मैंने तो आज तक, या तो इंग्लिश में होता है, तो ये मैंने देखे। तो फिर क्या होता है कि वो लेयर्स क्यों लगाई जाती है, हमने जो ये जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा था ना, फायरवर्क पटाखा जो बनाया जा रहा था, ये क्यों बनाया जा रहा था? एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए। अब आग और लाइट से तो अम्यूजमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, पर और ज़्यादा उसको ना इंजॉयबल करने के लिए उसमें एक बड़ा आवाज़ भी चाहिए लोगों को। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो लेयर्स हैं, अब एक जो उस कौन सा बम आता है, ग्रीन वाला, जिसके ग्रीन रस्सी लपेटी होती है, सूतली बम, सूतली बम। हाँ, तो ये सारे बमों में एक बात आपने करी होगी कि जो जितना टाइटली बांधा हुआ होगा वो उतना ही ज़्यादा साउंड करेगा, होता है? तो यस मैम। हाँ, तो क्या होता? हाँ, जब ये डायनामाइट को जो अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसको
वो अब आग के अंदर गैस बन जाती है, वो बाहर निकलने के लिए जब जोर से फटती है तो इन यही जो चीज़ें जो बाहर लपेटी होती है यही बर्स्ट होती है और साउंड आती है। अभी हम एक करते हैं ना, कभी एनवलप कोई सामान जो कागज़ के एनवलप आते हैं लिफाफे जिनमें हम सामान लाते हैं, प्लास्टिक का भी बट एनवलप, उनमें हवा भरते हैं और हम फोड़ते हैं तो पटाखे जैसी ही स्मेल आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, क्यों? क्योंकि एक्सप्लोजन से जो वो लेयर फटती है वो अंदर हवा है उसे बाहर निकलने के लिए जो वो ज़ोर से निकलती है तो साउंड आती है, बैलून फटने की आवाज़ आती है क्योंकि वो ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, अदरवाइज वही एयर या नॉर्मली साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रही होती है, तो इसीलिए साउंड प्रोड्यूस होती है। अ लार्ज अंदर जो है क्रैकर के अंदर क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस बनती है फिर उससे एक्सप्लोजन होता है। इस प्रकार का जो कंबस्चन है वो है एक्सप्लोजन। तीन कौन कौन से कंबस्चन हो गए, रैपिड कंबस्चन, स्पॉन्टेनियस कंबस्चन एंड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। पटाखों पे प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, रस्सी को सूतली को बांध देते हैं, बांधते जाते हैं तब जोर से और एकदम पैक्ड लपेट दिया जाता है और उसको हवा को बाहर निकलने के लिए जब जगह चाहिएगी तो वो एक्सप्लोड होके निकलती है, दैट इज एक्सप्लोजन। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कंबस्चन। ओके नाउ नेक्स्ट इज फ्लेम। वॉट इज फ्लेम? फ्लेम वट टाइप ऑफ सब्सटेंस बर्न विद अ फ्लेम? वाई चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम? वाई डू वी गेट अ ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम? ये हम इसमें पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम भी इसमें बताया गया। आपने एलपीजी गैस को ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें आपको कौन कौन से कलर नज़र आते हैं? ब्लू, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, ऑरेंजिश ग्रीन, ऑरेंजिश ब्लू, पता नहीं कैसे कैसे। और कई बार उस पे ना मिर्च डाल दो या कभी अभी तड़का जब लगाते हैं और घर में धुआं धुआं हो जाता है तो एकदम ऑरेंज हो जाती है, रेड हो जाती है एकदम से, थोड़ा फिर बाद में नॉर्मल होती है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि उस आग के साथ कोई और सब्सटेंस भी जल रहे होते हैं। एलपीजी जलेगी तो वो ब्लू फ्लेम में जलेगी क्योंकि वो कंप्लीट कंबस्चन हो रहा है, और अगर उसके साथ कोई और चीज़ भी जलेगी, उसी गैस पर आप कागज़ का टुकड़ा रख दो या कई बार कोई फूड पार्टिकल रह जाता है, चपाती का रैपर रह जाता है तो वो भी जलने लगता है साथ में। तो गैस तो जो है जल रही है, एलपीजी गैस जब जल रही है जिस फ्लेम के साथ, उसमें तो ना तो ऐश हो रही है, ऐश ASH, ऐश मतलब राख, ना तो कोई काला काली राख मिल रही है, ना सूट मिल रहा है, ना धुआं उठ रहा है। पर उसी उसी फ्लेम पर हमने एक कागज़ का टुकड़ा रख देंगे या पापड़ रख देते हैं तो क्या होता है, वो जलने लग जाता है। वो जलता भी है, धूप उसमें से धुआं भी निकलता है, वो बहुत ज़्यादा जला दोगे तो वो काला कलूटा राख भी बन जाता है और जब जिस वक्त हम आप उस पर जला रहे होते हो तो एलपीजी की जो फ्लेम है वो तो ब्लू कलर की होती है ना। और अगर आप कोई जो उस पर कागज़ का पीस अगर टोंग से चिमटे से पकड़ के जलाओगे तो वो ऑरेंज कलर का होगा। ये डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस? पूरा जलना किसी चीज़ का कंप्लीट कंबस्चन हो जाना और किसी चीज़ का इनकम्प्लीट कंबस्चन होना। मतलब जलने योग्य सामान जो है वो तो पूरा जलेगा, पर जो जलने योग्य सामान नहीं है वो बचा रह जाएगा पीछे। जैसे कि एलपीजी के अंदर जो गैस है वो फुल कंबस्टिबल है, पूरी जल जाती है तो पीछे कुछ बचता नहीं है जिसकी राख बने या कुछ और हो। पर जब पेपर है, पेपर में जो जलने वाला मटेरियल है कंबस्टिबल, वो जल जाएगा, वो यूज़ हो गया तो पीछे जो जला हुआ कागज़ बचा है ब्लैक, फुल ब्लैक कलर का ऐश जो है जिसको अगर हम ना छेड़ें तो वो कागज़ की शेप का ही रहेगा, तो वो जो है उसमें अब जलने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक कार्बन बन गया है। तो इसलिए इनकम्प्लीट कम्बस्चन जब होता है तभी धुआं और राख बनती है। अभी हम पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में। व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम इज द सब्सटेंस विच वेपोराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग एंड गिव्स फ्लेम। किसी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस है जो वेपोराइज होता है जलने के दौरान। वो हमने एक सेवन्थ क्लास का कोई मैग्नीशियम रिबन पर, तुम लोगों की तो सेवन्थ भी उसमें गई लॉकडाउन में, तो क्या करें, तो वो हमने जो डायग्राम देखा, वो वीडियो देखा था एक, है ना, उसमें हमने जो ये बर्निंग करी थी, बर्निंग में हम मैंने पढ़ाया कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता, जरूरी नहीं है ये मैग्नीशियम रिबन का ही एग्जांपल लिया जाए।
रिमेनिंग कहने का मतलब कोई चीज़ जलती है तो उसके पीछे क्या क्या बच जाता है। यहाँ इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हो कि ना कैंडल का जो कलर है वो ऑरेंज है और एलपीजी का कलर, किचन स्टोव का कलर ब्लू है ना। तो ये क्योंकि कैंडल जो है वो इनकम्प्लीट बर्निंग है, क्योंकि जब यहाँ पे कैंडल जब ख़त्म हो जाएगी तो उसमें पीछे कुछ दो तीन चीज़ें बचेंगी। एक तो जो स्मोक है वो एटमोसफेयर में मिक्स हो गया, एक ये काली जो धागा है ब्लैक कलर का विक, बत्ती विक, WICK विक, बत्ती जिसे बोलते हैं, धागा जो है थ्रेड है ये भी जलेगा, पर कम इसका थोड़ा पार्ट रह रहा है, ये जल के ख़त्म नहीं हो रहा, इसका डिस्ट्रॉय एकदम फिनिश नहीं हो रहा, ये वैनिश नहीं हो रहा। और गैस जो है वो सिलेंडर में से जलेगी और यहाँ पे जलने के बाद वो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, उसका कुछ भी नामो निशान, सिलेंडर में भी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, बस हमने उसकी हीट और लाइट ही फील करी, उसका कुछ ऐश या कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट कंबस्शन है। जहाँ पे कुछ बचने वाला होता है, राख बनने वाली होती है या कोई प्रॉपरली जल नहीं रहा होता, वो फिलहाल तुम इतना जानोगे कि वो फ्लेम हो, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प कैंडल एंड बंसन बर्नर, ये बंसन बर्नर जो लैब में यूज़ होता है, ये कैंडल और ये कैरोसिन लैम्प, इसमें कैरोसिन ऑयल जल रहा है, इसमें वैक्स जो है वो इस धागे को एकदम से पूरा जलने नहीं देता। यहाँ पे वैक्स का क्या रोल होता है वैसे कैंडल में जलने के लिए, वैक्स क्या हेल्प करता है कैंडल में, क्या वैक्स की वजह से आग लगती है कैंडल में? नो मैम, नहीं, जलता तो सिर्फ धागा है। देखो नॉर्मली तुम थ्रेड को जलाओगे वो जल जाएगा, पर वैक्स क्या करती है उस थ्रेड को एकदम से पूरा जलने नहीं देती। पहले वो धागा ऊपर से जल रहा होता है और जितना वो आसपास अपनी हीट से वैक्स को हटा पाएगा तो वो धागा और एक्सपोज होगा और वैक्स नीचे मेल्ट होकर नीचे चली जाएगी, तो धागा थोड़ा और बाहर आया तो फिर वो जलेगा, फिर और हटेगा फिर वो जलेगा। इस प्रकार एक पतले से धागे को, एक छोटे से धागे को, 10-12 सेंटीमीटर के धागे को बहुत देर तक रोशनी के लिए हमने इस्तेमाल किया। ये बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है ना, कि कैसे उन्होंने देखा कि कैंडल वैक्स जो है किसी चीज़ को जलने नहीं देता है, पर हमें ऐसा भी चाहिए जो ना थोड़ी देर बाद किसी चीज़ को जलने दे, तो उन्होंने वैक्स को लगाया कि भाई वैक्स थोड़ी देर बाद पिघल कर वहाँ से हट जाएगा और कैंडल वो धागा जलेगा, जितनी देर तक कैंडल पिघलेगी वैसे वैसे धागा जलेगा। ठीक है, इसमें तो इतना ही ज्ञान था। अब ये मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग, कौन कौन से मटेरियल हैं जो जलने पर क्या करते हैं, फ्लेम देते हैं। फ्लेम को हिंदी में क्या बोलेंगे, आग की लपट है ना, लॉ। कैंडल, यस इट फॉर्म्स अ फ्लेम, मैग्नीशियम की फ्लेम होती है, कैरोसिन स्टोव में फ्लेम होती है, चारकोल में फ्लेम नहीं होती, कैम्फर में फ्लेम होती है। कैम्फर क्या होता है, कैम्फर कपूर की गोली, कपूर की गोली जो होती है उसमें फ्लेम होता है, क्योंकि आपने देखा एक तो वो जब कई आरती करने के लिए पूजा में कैंफर का इस्तेमाल होता है, उसको रख दो, उसको जला दो, वो जलेगा विद फ्लेम थोड़ी देर के लिए और लिक्विड में बदल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको लिक्विडिटी मिलेगी उसमें। ठीक है, अभी नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में लाइट अ कैंडल, ये तो हमें करते ही रहते हैं, ये हमारे लिए नई बात नहीं है। तो सब्सटेंस विच वेपराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइजेज थ्रू विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइजेज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूसेज, मीन्स अपनी गैसेज फॉर्म में नहीं जाते, अपनी स्टेट चेंज नहीं होती, चारकोल जो है वो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। डज नॉट वेपोराइज एंड डज नॉट प्रोड्यूसेज अ फ्लेम इन एक्टिविटी 6.5 एक्टिविटी कौन सी थी, ये वाली, देखो एक्टिविटी 6.5 में क्या हुआ है, हमें पढ़नी पड़ेगी इसको। लाइट अ कैंडल, होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब,
एक थिन ग्लास ट्यूब लो, फिर उसको क्योंकि उसको आप उससे पकड़, ग्लास की भी ले सकते हो, मेटल की भी ले सकते हैं वैसे, उसको होल्ड करना है किससे, किसी हैंडल से, डायरेक्ट नहीं। फिर उसको इसमें बीच में, फ्लेम के बीच में लेके जाओ, और फिर एक वहाँ पे मैच स्टिक लेके आनी है। तो व्हाट वी विल सी, क्या होगा कि द वैक्स राइजेस थ्रू द विक एंड प्रोड्यूस अ फ्लेम। विक के थ्रू वैक्स जो है वो ऊपर उठेगा और फिर फ्लेम प्रोड्यूस कर देगा, और इससे क्या होगा कि वेपर जो है वैक्स की कमी, वैक्स के जो वेपर्स होते हैं वो ग्लास ट्यूब के, या वो जो ट्यूब ली थी उसकी बाहर की तरफ आएंगे, और वो फिर जलेंगे, तो कैंडल जो, वो अपनी मैच स्टिक जो है वो भी कैच फायर हो जाएगी, आग पकड़ लेगी। अच्छा छोड़ो इसको, और ये हमने पढ़ लिया। ओके, ये है दूसरा। व्हेन कैंडल इज स्टेडी, इस कैंडल के ऊपर हम ये स्लाइड लेके आएंगे, ग्लास प्लेट स्लाइड या कोई भी ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड। कुछ देर के लिए करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। आप इसमें ये ग्लास ट्यूब की ज़रूरत नहीं, इसमें आप एक कभी कभी मोमबत्ती, जब भी मोमबत्ती जलाओ या दिया जलाते हैं, कुछ भी जलाते हो, उसके ऊपर चम्मच लेके आओगे तो चम्मच पीछे से क्या हो जाएगी, ब्लैकिश कुछ सब्सटेंस मिलेगा, काली पड़ काली जाएगी। पड़ जाएगी। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। ये क्या इंडिकेट करता है कि डिपोजिशन ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल को इंडिकेट करता है, कि जब भी कोई आग में कोई कंटेनर काले होते हैं, पुराने टाइम में जब वुड को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था, तो वहाँ पे चूल्हे के ऊपर इस्तेमाल किया जाता था, तो जो बर्तन होते थे वो काले हो जाया करते थे, तो दैट मीन्स वो इनकम्प्लीट अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स थे जो कि ल्यूमिनस जोन में। सबसे पहले तो हम ये इसमें अभी पहले इन्होंने इसका युग बता दिया, और बाद में ये जोन बता रहे हैं, तो पहले ये जोन ही पढ़ते हैं। डायग्राम में दिखाई दे रहा है सबको, देर आर थ्री डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। ये फ्लेम के तीन डिफरेंट जोन्स होते हैं, डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। जो आउटर जोन जो होता है वो ब्लू कलर का, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। मॉडरेट जो बीच में मिडल जोन है, जहाँ पे पार्शियल कंबस्शन हुआ, वो येलो कलर का दिख रहा है, वो हॉट है, ठीक है। हॉट तो सारा ही होगा ये, क्योंकि आग लग रही है यहाँ पे, बट हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट के रूप में इसमें माने। तो लीस्ट हॉट कहाँ होगा, एकदम इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नड वैक्स वेपर ब्लैक, वहाँ पे काला होगा कोई भी, ठीक है। और ये ठीक है, तो ये होते हैं फ्लेम्स के जोन।